नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव या फिर परिणाम। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा था वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के फैलने के कौन कौन से कारण हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हम लोगों ने कर लिया था पहले वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग को प्रभाव या परिणाम पढ़ने हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखना, आराम से पढ़ना, फिर आप हर एक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। इसकी जो PDF है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, PDF के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो PDF मैं बता रहा हूँ कि भाई जो वायु प्रदूषण का लास्ट वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वायु प्रदूषण से बचने के उपाय, तो उस वाले वीडियो में पूरा आपको PDF मिल जाएगा, वायु प्रदूषण का पूरा PDF एक साथ मिल जाएगा। वायु प्रदूषण के प्रभाव या फिर आप परिणाम भी बोल सकते हैं कि कौन कौन से इसके प्रभाव या परिणाम पड़ते हैं। सबसे पहला इसका जो है प्रभाव हम लोग देखेंगे, मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम होता है वायु प्रदूषण का। तो मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, देखिए, मानव अपने जीवन को बनाए रखने हेतु औसतन 8 लीटर वायु अंदर बाहर करता है डेली। मतलब औसतन डेली एक मानव 8 लीटर वायु को अंदर ले जाता है, फिर उसको बाहर करता है। अतः यदि वायु में अशुद्धि है अथवा उसमें प्रदूषक तत्वों का समावेश है, तो वह श्वास द्वारा शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है और अनेक भयंकर रोगों का कारण बन जाती है। मतलब अगर वायु में धूल कण या जहरीली गैसें हैं, तो चूंकि हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस के द्वारा वो हमारे फेफड़ों में चली जाएगी, फिर तमाम तरह के रोग जो बीमारियाँ हैं उनको उत्पन्न कर देती हैं। तो इस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है, क्योंकि श्वास के साथ ग्रहण की गई वायु रक्त प्लाज्मा में घुलती नहीं अपित हीमोग्लोबिन के साथ मिश्रित होकर संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती रहती है। ओके, वायु में प्रदूषण वाली कणिकाएं यदि आकार में कुछ बड़ी होती हैं, मान लीजिए वायु प्रदूषण जो हुआ बाहर, उसमें जो प्रदूषक हैं यानी कि कण हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो वे नासिका के द्वार पर रुक जाते हैं। लेकिन मान लीजिए वो बड़े नहीं हैं, वे सूक्ष्म हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, सूक्ष्म कणिकाएं हैं, तो फेफड़ों तक पहुंच जाती हैं और मृत शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर रोगों का कारण बन जाती हैं। प्रदूषित वायु से श्वास संबंधी रोग, जैसे अब यहाँ कुछ रोग बता रहा है जो श्वास संबंधित रोग हैं, ब्रोंकाइटिस, बिलनोसिस, गले का दर्द, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर, तो ये सब आप याद रखिए कि ये सब वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं, जैसे निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर, गले का दर्द, बिलनोसिस और ब्रोंकाइटिस आप लोग ज़रूर याद रखिए, तो ये सारे रोग हो जाते हैं। फिर यहाँ है श्वास रोगों के अतिरिक्त वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह भी हो जाते हैं। ये भी बीमारियां हैं जो कि वायु प्रदूषण से ही हो जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से एम्फोसीमा नामक रोग होता है, या प्राणलेवा यानी जानलेवा बीमारी है, जिससे अमेरिका में हजारों लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ये आपने समझा। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट और है, आवाज़ आपको आ रही होगी भजन कीर्तन की, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, मैं भी सुन रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्लास तो लेनी पड़ेगी ना। वाहनों के धुएं में उपस्थित सीसा कण शरीर में पहुंचकर यकृत, आहार नली, बच्चों के मस्तिष्क विकार, हड्डियों का गलना आदि रोग के कारण बनते हैं। मतलब मैंने बताया था ये जो सीसा है, आर्सेनिक है और एस्बेस्टस है, ये हमारे शरीर में पहुंचकर हमारी हड्डियों को गलाने का काम करते हैं, बच्चों के मस्तिष्क में विकार उत्पन्न कर देते हैं, तमाम तरह के परिवर्तन आ जाते हैं शरीर में, आहार नली प्रदूषित मतलब प्रभावित होती है, और हमारा जो यकृत है यानी गुर्दा है, किडनी जिसको आप बोलते हैं, वो भी प्रभावित होता है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि वायु प्रदूषण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं वनस्पतियों पर कैसे प्रभाव पड़ता है और क्या क्या प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का वनस्पति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, विशेषकर अम्लीय वर्षा, धूम्र, कोहरा, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड आदि का, यानी ये जो कुछ गैसें हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड, ओजोन,
देखिए ओजोन द्वितीयक प्रदूषक गैस, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, मतलब जब मैंने आपको प्रदूषण वाला फर्स्ट वीडियो बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ओजोन है वो द्वितीयक प्रदूषक यानी हल्की फुल्की प्रदूषण ये भी फैला देता है। तो धूम, कोहरा, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड, ये सब वायु प्रदूषक हैं और ये सब वनस्पतियों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषण के कारण पौधों को प्रकाश कम मिलता है, अतः उनकी फोटोसिंथेसिस क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब जैसे वायुमंडल में मान लीजिए खूब ज़्यादा धुंध है, कोहरा है, ये देखिए खूब ज़्यादा कोहरा है, तो क्या होगा कि जब खूब ज़्यादा कोहरा रहेगा तो सूर्य की जो रोशनी है, प्रकाश जो है, वो पेड़ पौधों पर सही से पड़ेगा नहीं। कोहरे में कहाँ पड़ता है, तो जब पड़ेगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सही से हो नहीं पाएगी। तो जब वो हो नहीं पाएगी तो पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण कर नहीं पाएंगे। तो फिर इस प्रकार आप सोचते हैं अगर किसी को भोजन न मिले तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पत्ते पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तो विपरीत प्रभाव पड़ता है वनस्पतियों पर। फिर यहाँ है जो पौधे धूम कोहरे के क्षेत्र में पनपते हैं उनका विकास कम होता है। मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा धूम कोहरा होता है, कोहरा टाइप छाया रहता है हमेशा, धुंध रहता है, और जो पौधे वहाँ पर उगते हैं उस एरिए में तो उनका विकास बहुत कम होता है, क्योंकि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के कारण उत्पन्न ओजोन और नाइट्रेट ऑक्साइड वनस्पति के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं, इससे उनकी पत्तियाँ विकृत एवं सफ़ेद होकर गिरने लगती हैं। फिर है इसी प्रकार सौंदर्यवर्धक फूल पौधे एवं वायु प्रदूषण से संवेदनशील होते हैं। वायु प्रदूषण से वृक्ष, सब्जियाँ, फूल, फल सभी प्रभावित होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से पत्तियाँ रंगहीन हो जाती हैं, काली पड़कर नष्ट होने लगती हैं। यहाँ देखिए कष्ट लिखा है, तो ऐसे टाइपिंग मिस्टेक आपको मिल सकती है, उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अधिक वायु प्रदूषण के क्षेत्र में पौधे परिपक्व नहीं हो पाते हैं, जो कलियाँ होती हैं वो मुरझा जाती हैं, जो फल होते हैं वो भी पूर्ण विकसित नहीं हो पाते। वाहनों से निकलता हुआ धुआं वनस्पति के लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार भारी धातु जैसे जिंक, स्मेल्टर आदि से निकले धातु कण वनस्पति पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो मैंने अभी आपको दो प्रभाव बताए, एक तो मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक तो वनस्पति पर। अब यहाँ बात करते हैं जो जानवर हैं या जीव जंतु हैं उन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए यह तीसरा आपका है प्रभाव। मानव के समान पशुओं एवं अन्य जीवों पर भी वायु प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जीव वायु ग्रहण करते हैं, अतः प्रदूषण से विषाक्त पदार्थ शरीर में पहुंच जाते हैं जो हानिकारक होते हैं। पशुओं द्वारा खाए जाने वाले चारे पर फ्लोराइड यौगिक के गिरने से वे उनके शरीर में पहुंचकर हड्डियों दांतों में फ्लोरोसिस कर देते हैं। इस अनेक प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खी, सैलाब आदि प्रदूषण से मर जाते हैं। पक्षियों पर भी वायु प्रदूषण का विपरीत प्रभाव देखने में मिलता है। अब यहाँ एक और कारण है, एक और प्रभाव है या परिणाम है, जो कि वायुमंडलीय प्रभाव या आप कह सकते हैं मौसम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का, उसको भी देख लेते हैं। वायुमंडल एवं जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारा वायु प्रदूषण होता है इसका प्रभाव वायुमंडल एवं जलवायु या मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जान लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले जानते हैं ओजोन परत पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। देखिए वायुमंडल में स्थित ओजोन परत का कवच, जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है ओजोन परत को, तो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणों को ढाल की तरह रोककर जनजीवन की रक्षा करता है, यानी उसके सामने एक ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। ढाल मतलब जैसे तलवार, जब तलवारबाजी होती है तो तलवार होता है एक हाथ में, हाथ में होता है ढाल, जिससे आप विपक्ष के वार को रोकते हैं, दुश्मनों के वार को रोकते हैं। तो ऐसे ही ये जो ओजोन परत है ये परावैगनी किरणों के सामने ढाल की तरह खड़ा हो जाता है और फिर उनसे हमारी रक्षा करता है। ये हानिकारक किरणें भूमंडल पर आकर हमारे शरीर में त्वचा कैंसर, आँखों में मोतियाबिंद उत्पन्न कर अंधापन बढ़ाती हैं। इससे जल जीव एवं फसलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अगर ओजोन परत ना हो तो सोचिए क्या क्या होगा। फिर है साधारणतः ओजोन निर्माण प्राकृतिक एवं संतुलित रूप से चलता रहता है, किंतु कतिपय प्रदूषक तत्व इसमें व्यतिक्रम डालते हैं, ओजोन परत में छिद्र हो जाते हैं अथवा उसकी मात्रा में कमी आने लगती है, जो संपूर्ण पृथ्वी जीव जगत के लिए संकट का कारण बनती है।
तो कुछ गैसें हम लोग उत्पन्न करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर से या जो फॉग वगैरह चीज़ हैं, वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निकलने से क्या होता है कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है तो ओजोन परत को एक प्रकार से प्रभावित कर देता है, उसमें छिद्र कर देता है, तो इससे पराबैंगनी किरणे सीधे पृथ्वी पर पहुंचकर तमाम तरह के रोग उत्पन्न करती हैं। फिर यहाँ पर है, वर्ष 1985 में अनेक वैज्ञानिकों ने सनसनीखेज खबर दी कि अंटार्कटिका महाद्वीप के वायुमंडल में सितंबर माह में ओजोन की मात्रा कम हो जाती है, तत्पश्चात पुनः स्तर पर आ जाती है। यानी कि सितंबर माह में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन जो परत है उसमें छिद्र हो जाता है एक प्रकार से। बाद के प्रयोगों से इस जानकारी की पुष्टि हुई कि ओजोन छिद्र का विकास हो रहा है, यानी कि वहाँ पर एक छिद्र बन रहा है। इसका कारण वैज्ञानिकों ने ओजोन परत में क्लोरीन व यौगिकों की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाने को बताया। क्लोरीन यौगिक मतलब क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, CFC है, इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, इस कारण ऐसा हुआ, जिससे फ्लोरीन मिश्रित तत्वों की अधिकता होती है। देखिए क्लोरोफ्लोरीन यानी कि आप कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन होती हैं। फिर यहाँ है, एक निश्चित मात्रा के बाद क्लोरीन ओजोन का विघटन प्रारंभ कर देता है। ओजोन परत को नष्ट करने में सबसे अधिक योग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के अतिरिक्त क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु भी होते हैं। तो ये तो ओजोन परत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव इससे उत्पन्न होता है। अगर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया तभी कैसे होता है, अभी मैं बताता हूँ आपको। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे तापमान बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं भोजन बनाने में। तो जब हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने वाले रहेंगे ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ऊष्मा को रोकने का काम करती है, ताप बढ़ाने का काम करती है। तो इसलिए अगर ये संतुलित मात्रा में रहे पृथ्वी पर तो ही सही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं रहेगी तो पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पृथ्वी एकदम गर्म हो जाएगी। तो वही यहाँ पर लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे तापमान बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार विगत 50 वर्ष में पृथ्वी का औसत तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यदि यह 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ता है तो आर्कटिक तथा अंटार्कटिका के विशाल हिमखंड पिघल जाएंगे, समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से वह सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, इससे वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती, मैंने बताया कि ये अवशोषण का काम करती है, अभी मैंने आपको बताया, इसलिए ताप को एक प्रकार से रोक के रखती है। तो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। जब पृथ्वी गर्म होगी तो जो ग्लेशियर हैं अंटार्कटिका और आर्कटिक में, वो पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो तबाही आएगी, सुनामी आएगी, बाढ़ आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और पृथ्वी गर्म होती है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, बाढ़ आती है, तो इस प्रभाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। 1988 में जून में टोरंटो में हुए सम्मेलन में ग्रीन हाउस प्रभाव तथा उससे संबंधित खतरों के बारे में वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की। ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन आदि हैं, तो इनको कम करने की बात की गई कि इनका उत्सर्जन कम किया जाए। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो 3 मेन हैं, एक चौथी यहाँ पर है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन भी है। पेट्रोलियम तथा गैसीय तत्वों का जलना, उद्योगों से निकलता धुआं इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब ये जो गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, तो ये सब कहाँ से निकलती हैं, या तो उद्योगों से निकलता जो धुआं उससे निकलती हैं, या फिर गैसीय पेट्रोलियम जो तत्व होते हैं जलते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर वगैरह, फ्रिज वगैरह हो गए, वहाँ से निकलते हैं, ये सब इनके स्रोत हैं।
इस प्रकार के प्रदूषण से तापमान की वृद्धि होती है तथा अनेक स्थानों पर सूखा तथा अकाल की स्थिति भी बनती है। अब जब ताप में वृद्धि होगी तो फसलें होंगे नहीं, पानी सूख जाएगा, नदी तालाब सूख जाएंगे तो फसलें नहीं होंगी तो सूखा पड़ जाएगा। वनस्पति के निरंतर नष्ट होने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। अब चूंकि हम लगातार वनस्पतियों को नष्ट करते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो ही नहीं रहा है, वो पृथ्वी पर एकदम जमे पड़े हैं। तो क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ आएगा, कहीं कुछ होगा। अब इसका एक ये है कि भाई मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का स्थानीय मौसम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इनसे बादलों, तापमान एवं वर्षा पर भी प्रभाव होता है। औद्योगिक नगरों पर छाने वाले कोहरा वायु प्रदूषण का परिणाम होता है। आप देखिए कभी कभी शहरों में जाइए जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आसमान नीला दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ ऊपर एक धुंध छाया रहता है, धुओं का, जो जहरीली गैसें होती हैं उनका धुंध छाया रहता है। तो नगरों पर कोहरे का गुंबद बन जाता है तथा हवा के प्रभाव से वह एक और धारा के रूप में बहने लगता है। आंधियाँ भी स्थानीय मौसम को प्रभावित करती हैं। इस्पात मिलों यानी कि जहाँ पर इस्पात का निर्माण किया जाता है, उनके धुएं में विशेष प्रकार के हिम केंद्रक नामक कण से वर्षा की संभावना अधिक हो जाती है। स्थानीय तापीय विकिरण भी धूल एवं कोहरे का प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ दृष्टव्यता पर भी वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, वह कम हो जाती है। दृष्टव्यता मतलब जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। जब भाई प्रदूषण बहुत ज़्यादा रहेगा, धुंध रहेगा, तो हम लोग को कम दिखाई देता है, आँखों को भी नुकसान होता है इससे। अन्य प्रभाव में देखते हैं तो उपर्युक्त प्रभाव के अतिरिक्त वायु प्रदूषण का अन्य वस्तुओं को भी ये प्रभावित करता है, जैसे जंग लगना, वायु प्रदूषण के कारण ही जंग लगता है। ओके, कागज़, कपड़ा, संगमरमर आदि का छेड़ होना, ये जो हवा चलती है इसमें तमाम तरह के कण और अशुद्धियाँ होती हैं, तो ये रंगों को मतलब उनका विरंजनीकरण कर देते हैं, यानी रंग उड़ा देते हैं, चाहे कागज़ का रंग हो, कपड़े का रंग हो, या फिर संगमरमर का रंग हो, उनके प्राकृतिक रंग को ये उड़ा देते हैं। चांदी की चमक कम कर देते हैं तथा शीशे की वस्तुओं को काला बना देते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये चांदी की चमक कम कर देता है, शीशे की वस्तुओं को काला बना देता है। ओजोन क्या करता है? रबर में दरार पैदा करता है। अनेक स्मारक में प्राचीन भवनों को भी वायु प्रदूषण से हानि पहुँचती है। इस संबंध में ताजमहल विवाद का उल्लेख करना उचित होगा। आगरा स्थित संगमरमर का बना ताजमहल ऐतिहासिक एवं सौंदर्यपूर्ण इमारत है। 1972 में एक तेल शोधक कारखाना लगाया गया मथुरा में। इसी के साथ यह आशंका हुई कि इससे निकलने वाले धुएं में मिश्रित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में गिरता है, जिसका प्रभाव यहाँ संगमरमर पर अवश्य होगा। मतलब यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई गई, कारखाना, तेल शोधक कारखाना मथुरा में, आपको पता होगा 1972 में, तो उससे जहरीली गैसें निकलती हैं। अब वायुमंडल में क्या होती है, नमी होती है, तो जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब जा करके नमी से क्रिया करके एक प्रकार से अम्लीय जल का निर्माण कर लेती हैं, फिर वो वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं, तो इमारतों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये मैंने आपको आज पढ़ा दिया वायु प्रदूषण के परिणाम या फिर प्रभाव, और पिछले वीडियो में मैंने आपको कारण पढ़ा दिए थे। अब एक वीडियो इसका और आएगा, वो होगा वायु प्रदूषण से बचने के उपाय। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो PDF का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा।